हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है भाई। अगर डायरेक्टली बोलूँ तो रियल मी 2 प्रो के लिए एक न्यू अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है, एंड अपडेट के साथ जो चेंज लॉग प्रोवाइड किया गया है वो तो बहुत ही कमाल का है भाई। अगर आप रियल मी 2 प्रो यूज़र्स हो तो अगर आप इस चेंज लॉग को देखोगे तो भाई खुशी से पागल हो जाओगे। बहुत टाइम के बाद ऐसा अपडेट रोल आउट किया गया है रियल मी 2 प्रो के लिए, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल दूंगा, फटाक से बताऊंगा आखिर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं रियल मी 2 प्रो के न्यू अपडेट में। एंड गाइस, इस अपडेट का मुझे साइज़ तो पता नहीं चला, लेकिन चेंज लॉग मुझे मिला है तो मैं आपको वो सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं, अगर ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो भाई जल्द ही मिल जाएगा, अभी अभी तो रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है तो सभी को मिल जाएगा। आप मेरे साथ कनेक्ट रहो, जैसे इसका ऑफिशियली अपडेट रोल आउट हो जाता है तभी जो है गाइस मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। एंड गाइस, इस अपडेट में कुछ बड़े मेजर चेंजेस किए गए हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको वर्जन मिलेगा वो मिलेगा 11_C.25। तो पिछला वाला वर्जन क्या था गाइस मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास रियलमी 2 प्रो नहीं है, लेकिन हाँ गाइस, अभी जो आपको न्यू वर्जन मिलेगा वो मिलेगा 11_C.25। देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी में एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल नवंबर 2019 का मिलेगा, लेटेस्ट वाला सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि डार्क मोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपको इस अपडेट में डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो है गाइस, एडेड रियलमी लेबोरेटरी, तो आपको लैब में जाना पड़ेगा, सबसे पहले डार्क मोड को एनेबल करना है, तो लैब में जो है गाइस आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो है गाइस, एडेड डाटा स्विच इन नोटिफिकेशन पैनल, तो गाइस ये भी अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन हाँ आपके जो नोटिफिकेशन पैनल में जो है आप कुछ डाटा स्विच के अगेंस्ट एक्शन ले पाओगे, तो फिलहाल तो इसके अगेंस्ट मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जब आ जाएगा गाइस मैं आपको डेफिनेटली समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो है क्लोन ऐप सपोर्ट मोर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो गाइस क्लोन ऐप का जो ऑफिशियल आपको ऑप्शन मिलता है रियलमी की तरफ से, उसमें जो है गाइस आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी जो है गाइस अभी क्लोन में क्रिएट कर पाओगे, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। पहले जो है गाइस सभी ऐप्स को ये सपोर्ट नहीं कर पाता था, जैसे कि जोमेटो वगैरह जो ऐप्स थे उनका जो है डबल अकाउंट हम नहीं बना पाते थे, लेकिन अब जो है गाइस आपको इस अपडेट के बाद क्लोन ऐप्स में वो भी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो है गाइस आपको मिलेगा एडेड ऑप्शन फॉर नोटिफिकेशन डॉट्स फॉर अपडेट्स, तो ये वाला भी गाइस आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड उसके बाद जो है स्वाइप लेफ्ट और राइट टू डिसमिस मैसेज नोटिफिकेशन, तो गाइस मैसेज को आने के बाद जो है गाइस अगर आप लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ भी स्वाइप करते हो तो आप जो है ना उस नोटिफिकेशन को क्लोज कर पाओगे। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, मुझे तो बहुत इरिटेटिंग वाला प्रॉब्लम लगता था, तो फाइनली जो है इसे भी अभी सॉल्व कर दिया गया है। एंड उसके बाद जो है गाइस यूजर इंटरफेस में रीडिजाइन द नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल, तो आपका जो नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल है उसे रीडिजाइन किया गया इस अपडेट में। तो घुमा फिरा के भाई यही पूरा अपडेट चेंज लॉग था। एंड गाइस, अपडेट चेंज लॉग देख के तो आप डेफिनेटली खुश हुए होंगे, अगर आपके पास रियलमी 2 प्रो है तो आपके लिए बहुत ही मस्त अपडेट रोल आउट किया गया। एंड यही सब कुछ इसकी डिटेल थी भैया। तो इसका साइज तो मुझे नहीं पता चला कि साइज आखिर इस अपडेट का कितना था, लेकिन हाँ चेंज लॉग मिला तो मैं चेंज लॉग के ऊपर वीडियो बना दिया। तो गाइस, होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, आपको पता ही है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को प्रेस करके रख देना। तो गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।